67 साल के ऋषि कपूर को खराब तबीयत के चलते बुधवार रात एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इसे एक दिन पहले ही इरफान खान का निधन हुआ था। बता दें कि रणबीर कपूर अपने पिता ऋषि कपूर के काफी करीब थे। जब उन्हें पहली बार अपने पिता के कैंसर होने की बात पता चली थी तो वो टूट गए थे। उनकी मां नीतू कपूर ने इस बारे में एक इंटरव्यू में बताया था। नीतू कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब रणबीर को इस बारे में पता चला तो उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे थे। नीतू ने कहा था कि रणबीर जब आए तो मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। इसके बाद मैंने रणबीर को सब कुछ बता दिया। ये सुनने के बाद रणबीर की आंखें आंसुओं से भर गई। कुछ घंटों तक रणबीर ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन फिर कुछ समय के बाद उन्होंने खुद को शांत किया और कहा कि चलिए इसका सामना करते हैं। तो बता दें कि इस बात के पता चलने के बाद ही रणबीर ऋषि कपूर को लेकर दिल्ली गए और वहां से न्यूयॉर्क गए, जिसके बाद वहां पहुंचकर ही उनका ट्रीटमेंट तुरंत शुरू हो गया था। बता दें कि साल 2018 में ऋषि कपूर को पहली बार कैंसर का पता चला था और जिसके बाद वो लगभग एक साल तक न्यूयॉर्क में रहे थे। वो ठीक होने के बाद सितंबर 2019 में भारत लौटे थे और भारत में वापसी के बाद भी ऋषि कपूर का स्वास्थ्य अक्सर बिगड़ता रहता था। खबरों की माने तो ऋषि कपूर को फरवरी में खराब सेहत के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनके स्वास्थ्य के बारे में अटकलों के बीच जब वो दिल्ली दौरे पर थे तब उन्हें फरवरी की शुरुआत में यहाँ के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अब ऋषि कपूर के निधन से उनका पूरा परिवार सदमे में है। रणबीर कपूर भी पिता के निधन से सदमे में है।